आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब ये बात हमने सुनी, आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है, 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा ताकत नहीं दी। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया है, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है दोस्त। उनको आज मैं सलाम करता हूं, क्योंकि सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के चलता है। मौत और जिंदगी के बीच में कोई फासला ही नहीं होता है, और तब बीच में वो डट करके खड़ा होता है। और वो मेरा सेना का जवान तय करे कि हम 300 ऐसी चीजों अब लिस्ट करते हैं जो हम विदेश से नहीं लाएंगे हमारे देश की, ये संकल्प छोटा नहीं है। मुझे इस संकल्प में भारत के, आत्मनिर्भर भारत के उज्ज्वल भविष्य के वो बीज मैं देख रहा हूं जो इस सपने को वटवृक्ष में परिवर्तित करने वाले हैं। आज प्राकृतिक खेती भी आत्मनिर्भर का एक मार्ग है। फर्टिलाइजर से जितनी ज्यादा मुक्ति, आज देश में नैनो फर्टिलाइजर के कारखाने की नई आशा लेकर के आए हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती आत्मनिर्भर को ताकत दे सकती है। आज देश में रोजगार के क्षेत्र में ग्रीन जॉब के नए नए क्षेत्र बहुत तेजी से खुल रहे हैं। भारत ने नीतियों के द्वारा स्पेस को खोल दिया है। ड्रोन की बहुत दुनिया में सबसे प्रगतिशील पॉलिसी लेकर के आए हैं। हमने देश के नौजवानों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्राइवेट सेक्टर को भी आह्वान करता हूं, आइए हमें विश्व में छा जाना है। आत्मनिर्भर भारत का यह भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में भारत पीछे नहीं जाएगा। हमारे लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट हमें उस करके हमें दुनिया में जाना होगा, हमें स्वदेशी पर गर्व करना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम
हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। हम जिस प्रकार से संकल्प लेकर चल पड़े हैं, दुनिया इसे देख रही है और आखिरकार विश्व भी उम्मीदें लेकर के जी रहा है। उम्मीदें पूरे करने का सामर्थ्य कहां पड़ा है वो उसे दिखने लगा है। मैं इसे स्त्री शक्ति के रूप में देखता हूं, तीन सामर्थ्य के रूप में देखता हूं। और ये त्रि शक्ति है एस्पिरेशन की, पुनर्जागरण की और विश्व की उम्मीदों की।